जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के सातवें स्कंद का सातवां, आठवां एवं नवां अध्याय। प्रहलाद जी ने सोचा कि वरदान मांगना तो प्रेम भक्ति का विघ्न है। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं जन्म से विषम भोगों में आसक्त हूँ, आप मुझे वरदानों के द्वारा लुभाने का प्रयत्न न करें। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुर न हो। श्री नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद फिर भी अधिक नहीं तो मेरी प्रसन्नता के लिए केवल एक मन्वंतर तक के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार करो, परंतु तुम अपने हृदय में मुझे बसाए रखना, मेरी लीला कथाएं श्रवण करते रहना। समय आने पर तुम अपना शरीर त्याग कर समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। प्रहलाद ने कहा, आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ कि मेरे पिताश्री ने आपके ईश्वरीय तेज को और आपको चराचर गुरु न मानकर आपकी बड़ी निंदा की थी। इस कारण शीघ्र नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता मुक्त और शुद्ध हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिताश्री स्वयं पवित्र होकर मुक्ति पा गए हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। वत्स, तुम अपने पिता की गद्दी पर स्थित हो जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। इसके बाद ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। अंत में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने बताया कि भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय दीति के पुत्र बनकर अवतार हुए। वे दोनों भगवान से बैर भाव रखते थे। भगवान ने उन दोनों का उद्धार करने के लिए उनका वध कर दिया। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस परिवार में उत्पन्न हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पराक्रम से उनका अंत हुआ। इसके बाद वे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान के प्रति बैर भाव रखने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करके उद्धार किया और वे भगवान में समा गए। आठवां अध्याय प्रारंभ। देवर्षि नारद जी ने एक बार बताया कि भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। इस पर सब असुर परम गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने सोने चांदी और लोहे के तीन विमानों का निर्माण किया। वे इन विमानों में बैठकर सबका नाश करने लगे। तब प्रजा लोकपालों के साथ भगवान शिव की शरण में गई। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने धनुष पर बार चढ़ाकर त्रिपुर पर छोड़ दिया। उस एक बार से बहुत से बार प्रकट हो गए, जिनसे भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही थी। त्रिपुर दिखाई देना बंद हो गया था। वहाँ के निवासी निष्प्राण होकर गिरने लगे। महामायावी मैदानव बहुत से उपाय जानता था। वह दैत्यों को उठा लाया और उन्हें अमृत के कुएं में डाल दिया। अमृत का स्पर्श पाते ही दैत्यों का शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इन दैत्यों पर विजय पाने के लिए एक उपाय सोचा। भगवान श्री कृष्ण
स्वयं गौ बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया। दोनों त्रिपुर में गए, उस सिद्ध कुएं का वह सारा अमृत पी गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों द्वारा भगवान शिव के लिए युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, विद्या से कवच, तपस्या से धनुष, क्रिया से बाण और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से लैस होकर भगवान शिव ने राक्षसों के विमानों को नष्ट कर दिया। त्रिपुर को जलाकर भगवान शिव ने त्रिपुरारी की पदवी प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया द्वारा मनुष्यों जैसी लीलाएं करते रहते हैं। नवा अध्याय प्रारंभ। महर्षि नारद जी कहते हैं कि अजन्मे भगवान ही समस्त धर्मों के मूल हैं। धर्म शास्त्रों में 30 लक्षण बताए गए हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लक्षण निम्न है: तपस्या, दया, सत्य, सरलता, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सोच, मौन, संतोष, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नमस्कार आदि आचरण ही मानवों के परम धर्म हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ आदि, अध्ययन, अध्यापन ब्राह्मणों के धर्म बताए गए हैं। गौर अच्छा, लेन देन, कृषि, व्यापार करना, जीविका चलाना वैश्यों के धर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, दंड देना, कर लेना तथा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना क्षत्रियों के धर्म बताए गए हैं। राजाओं की मदद करना, प्रजा की अन्य जातियों की सेवा करना तथा ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों के धर्म बताए गए हैं। पति की सेवा करना, पति को ईश्वर के रूप मानना, घर की सफाई करना, लीपना, चौक पूरना, घर की सामग्रियों को साफ सुथरा रखना, पति की आज्ञा का पालन करना, सत्य और प्रिय बोलना आदि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म बताए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को अवश्य से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।